मैडम आयशा खानी अरोड़ा एंड श्रीमती सुशीला, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ देंगे और अच्छा गैदरिंग बहुत अच्छी लगी। आज 2023 का पहला महीना है जनवरी, और इस जनवरी के महीना में साल की शुरुआत में श्रीमती आशा रानी अरोड़ा ANS CTDS इन्होंने 37 साल 37 ईयर 11 मंथ और 12 डेज काम किया है डॉक्टर नारायण अस्पताल में, और इतना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इतना लगभग 4 दशक तक इन्होंने सेवा किया है इस हॉस्पिटल को, और इसके लिए इनको इनके प्रति हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो आज जनवरी महीने के रिटायरमेंट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है, और आप अपने साथी को इनका लोकप्रियता देखने में लगता है कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, जनरली इतने लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बराबर कराता हूँ, आज पहली बार देख रहा हूँ कि ये पूरा बंद हुआ है। तो इससे ये पता लगता है कि इनका पीपुल रिलेशन जो है, ह्यूमन रिलेशन जो इनका लोक व्यवहार है, जो अपने साथियों के साथ इनका रिलेशन है, ये कितना ही अच्छा है, और ये सीखने वाला भी है, हम लोग को सीखना चाहिए कि ताकि हम जब जाने भी लगे तो लोग याद करें। तो ये श्रीमती आशा रानी अरोड़ा से हमें सीखने को मिला है कि इतने लोग इनके विदाई समारोह में इकट्ठे हैं, और आज के दिन के बाद ये मैडम फ्री हैं तो अपने परिवार पर, स्वास्थ्य पर, समाज पर और भी ज़्यादा ध्यान देगी, और भी ज़्यादा समय देगी, क्योंकि अब ये एक रूटीन लाइफ से ये निकल रही है। तो इनके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए हम लोग इनको खूब गुड विशेष देते हैं कि इनका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छा रहे, अपने पोते पोतियों के साथ, अपना बेटे बेटियों के साथ और अच्छा समय इनका गुजरे, और अच्छा हैपनिंग हो इनके परिवार में, और इंजॉयफुल हैपनिंग के साथ ये अपना समय निकालें, और इनके बेहतर स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। और अभी ये श्रीमती आशा रानी अरोड़ा जी के सम्मान में इनके साथी लोग गाना गाएगी, तो पहले तो जो दोनों हमारे सहयोगी जो रिटायर हो रहे हैं उनको बुलाया जाए, आइए सर के साथ आइए, मंच पर आइए, डाइट पर। तो क्योंकि सिस्टर आशा गुरुवार जी को मानती हैं, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। बोलो जय कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक प्यार का नगमा
सोचा हम सब ने कि हम आपकी परछाइयां बने, जैसे आपने काम किया बहुत शिद्दत से, बहुत हार्ड वर्किंग से, तो हम सब भी वैसे ही करें। अब हम डॉक्टर नैद सीटीवीएस से हैं, सर आप कुछ अपने एम्प्लॉय के बारे में बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू कंप्लीटिंग दिस 37 ईयर जर्नी इन दिस आयरन हॉस्पिटल, दिस इज बिग माइलस्टोन यू हैव कंप्लीटेड, and the good wishes you have generated in all these years, this is a thing that all the crowd here is a testimony to the fact of this. This is all that Kamal Jada Padhiyan has given. This is the most great. ये ना सारा कितना प्यार आपने इन दोनों ने अर्जित किया है और लोगों का जो स्नेह है अपने पाया, और इसी दौरान आप हमारी वीडियो फैमिली से एसोसिएटेड रहे, हमें भी इसके लिए हमें आप बुरा बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी टेन्योर में हमारे डिपार्टमेंट ने भी एक माइलस्टोन अचीव किया, जो एक हार्ट ट्रांसप्लांट होने का स्टाफ प्लान जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन था, बट आप तो हमारी जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी एवर लास्टिंग स्माइल की मेंटेन करते हुए हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहे, यही हमारी कामना है, और आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मैडम के जो साथी हैं राजकुमारी गोयला मैडम और अन्य जो बोलना चाहेंगे आप बोलिए इनके बारे में। सभी को नमस्कार और सिस्टर आशा को बहुत बहुत गुड विशेस। इन्होंने इस अस्पताल में 38 इयर्स काम किया है और वो भी सिर्फ ओटी में, इनके ज्वाइनिंग ओटी में हुई है, रिटायरमेंट भी ओटी से हुई है, और इन्होंने सभी ओटी में काम किया है, लास्ट में इन्होंने सीटीवीएस ओटी में प्लस बीएमडब्ल्यू इंफेक्शन का रोल जो हॉस्पिटल के बहुत इम्पोर्टेंट वो है उसमें इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे से किया है, और उसके भी लास्ट में मैंने एक महीना इनको मेडन ऑफिस में काम करा लिया, अपनी हेल्प भी करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने अब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं ओटी के लिए किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती इनके बदले, इन्होंने इतना काम किया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और भी इनके कोई साथी कम्प्लीमेंट करना चाहे तो उनका स्वागत है। मैं बोलना चाहूंगी, सिस्टर आशा हमारी रूममेट है और मैं इनके साथ पिछले 5 साल से हूँ, इतनी अच्छी दोस्त है, बिल्कुल पेशेंस इसमें और किसी भी काम को करने की इच्छा बल्कि स्पोर्टिव बड़ी रही है हमारे साथ, तो मैं इनका साथ कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। बहुत अच्छी दोस्त भी रही है, बहुत अच्छी मेरी एक साथी ऐसा लीजिए। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं गवर्नमेंट के, या सीनियर जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, तो जो पीपुल है और प्रोसेस है, आपने इतना अच्छा व्यवहार किया है जिसका टेस्टिमनी आपके प्रेजेंस आपके साथी दे रहे हैं, तो आप अपने बारे में बोलिए और लोगों को उत्प्रेरित भी कीजिए, मोटिवेट भी कीजिए। चाहती हूँ कि आप सब लोग भी जब भी काम करो दिल से करो और अच्छे से करो कि सामने वाले को लगे कि आपने कुछ किया है, खाली ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए मैंने काम किया है तो किया है, बस किसी को पता ही नहीं है।
और हमेशा एम्पैथी सिंपैथी दोनों होनी चाहिए पेशेंट के लिए भी और अपने कलीग्स के लिए भी, क्योंकि मैं अगर अपने स्टाफ को प्यार से नहीं रखूंगी, अपने सीनियर्स के साथ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो मुझे कोई प्यार एम्पैथी सिंपैथी दोनों रखते हुए हमें सबका सबको प्यार से रखना चाहिए और प्यार देना चाहिए और अपनी खुशी के लिए हमेशा सिंसियर रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें एकता है ना वो बाय गॉड मिलता है। अगर हम अपनी मृत्यु के लिए सिंसियर रहते हैं तो वो रिटर्न जरूर करता है, इंसान चाहे करे ना करे, पर वो पर ईश्वर जो है वो सबको रिटर्न करता है सब। वेरी गुड आफ्टरनून तुम्हारे में फैमिली, मैं सब जानती हूँ, मैं सबको नहीं जानता पर मैं सब मेरे को जानते होंगे। मेरी मदर ने यहाँ पर 38 इयर्स लिए हैं, शायद मैं इतना हुआ भी नहीं, बहुत छोटा मम्मी, पर इनकी हार्ड वर्किंग, इनके काम से जो मैंने आज तक सीखा है, मैंने खुद मेरी मदर ने मुझे नर्सिंग कराई, मेरी सिस्टर को नर्सिंग कराई और उसके बाद सिस्टर यूके चली गई, मैं ऋषिकेश एम्स में चला गया। और वो जेनेटिकली कहते हैं जो ओटी से शुरू में जो अपॉइंट हुए थे और आज तक वो ओटी मेरे अंदर है, मुझे सिर्फ सर्जरी के सिवाय कोई कुछ पसंद नहीं है। सर्जरी हो 12 घंटे की 6 घंटे की कभी थकता नहीं, हार्ड वर्किंग जो मेरे को जेनेटिकली मेरी मदर से मिली। और मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को थैंकफुल करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरे तक आई है और जो मैं आज कर रहा हूँ वो सब आरएमएल फैमिली की वजह से है। तो थैंक यू सो मच। अब हम आज के सभा के अध्यक्ष एडिशनल एमएस सर बहुत सर से अनुरोध करेंगे कि अपने वर्ड ऑफ विजडम से इस सभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार, सभा में उपस्थित अस्पताल के सब एम्प्लॉई, गीता का फोन है, रिटायरमेंट फंक्शन के जो आज के बेनिफिशियरी हैं सुशीला जी और 25 साल से भी ज़्यादा, मतलब एक लगभग अगर इंसानी जीवन मानता हूँ मैंने 100 साल एवरेज माने तो एक चौथाई जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो इन्होंने एक आरएमएल में अपना दिया और वो भी मरीज के हित में, जिन्होंने वर्ड यूज किए सिंपैथी एम्पैथी, जिसका सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्वविदित है और दिख रहा है। इतने सारा इनकी फ्रेंड्स कुलीग्स वेल विशर्स, इतनी उपस्थिति, वो इनकी जो पर्सनैलिटी है एक उसका कैरेक्टराइजेशन और एक सर्टिफिकेट है और ये अपने आप जनरेट हुआ है जो उनके व्यवहार से, प्रेम सद्भाव मरीज से, अपने कुलीग से, अपने सीनियर से, जूनियर से, सबसे जो इनका जो इंटरेक्शन रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। एक इमोशनल सॉन्ग जो गाया गया वो इतने सारे नर्सिंग कुलीग्स की एक दिल की आवाज़ में मानता हूँ, तो बिल्कुल दिल से आई है और दूर तक मेमोरीज में हमारी वो इश्क रहेगी। इनका जो ओटी से ही जो है सारा जो है इनकी जो यात्रा सोशल प्रोफेशन की है, जो कि बड़ा सेंसिटिव और चैलेंजिंग, मरीज उसके रिश्तेदार ऑपरेशन के तो नाम से ही, ऑपरेशन के अस्पताल के नाम से ही मरीज जो है इतना टेंस हो जाता है। तो मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो इनकी पूरा टीम वर्क होता है जो ऑपरेशंस का, और ख़ासकर जो उन्होंने अपने जो ऑपरेशन थिएटर की ड्यूटी की ऊंचाई हासिल की, जो इनका जो कार्डियक ट्रांसप्लांट जो रिसेंट पास्ट में हुआ वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिनमें इनकी CTVS के अंदर में जो हार्ट सर्जरी एक बहुत ही क्रूशियल सर्जरी होती है और वहाँ पर उन्हीं को लिया जाता है जो इसमें सक्षम पाया जाता है, चाहे डॉक्टर है, चाहे नर्स है, चाहे जो भी सपोर्टिव स्टाफ है। उससे भी ऊपर ये आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनको एज ए स्पेशल कुलीग जो है सिस्टर बोयला जैसे कह रही है कि मैंने एक महीना रखा
पॉलिसी मेकिंग में भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इनका जो है कंट्रीब्यूशन योगदान जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। परिवार में इनके सुपुत्र ने जो इनके लिए विचार व्यक्त किए वो ये दर्शाता है कि ये नहीं कि ये वर्कप्लेस में ही जो है इनकी जो सक्षमता है, ये इनका एक्सपर्टाइज है एज ए मैनेजमेंट जो होती है वो घर में भी जो संस्कार जो प्रभाव होते हैं जिनका समाज में एक आगे जाके एक स्थान बनता है वो उसमें भी इनका एक बहुत अच्छा योगदान है। और मैं तो सिस्टर यही बोलूँगा आपको कि ये 60 साल जो है ये कोई रिटायरमेंट नहीं है, ये तो एक जिंदगी की एक नई जो है यहाँ से शुरुआत होगी। जो आपका इतना गोल्डन विजडम है वो आप यहाँ से समाज के लिए डायमंड कंट्रीब्यूशन के लिए जो के साथ में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका। सो विद ऑल दिस वर्ड्स और मैडम सुशीला को भी जो आज रिटायर हो रही हैं वार्ड 5 में, इन्होंने अपनी हेल्थ कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी इतना जो ऐसे सिस्टर बता रही हैं कि अच्छा योगदान इनका मरीजों के प्रति, नर्सेज के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति, समाज के प्रति योगदान जो है वो प्रेज़वर्दी है। सो विद दीज वर्ड्स आई विश यू बोथ ए हैप्पी हेल्दी ब्लेसफुल एंड गोल्डन ईयर ऑफ लाइफ। माई गुड लक टू बोथ ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे अनुरोध करेंगे कि आशा रानी अरोड़ा मैडम को मोमेंटो के साथ सम्मानित करेंगे।
इधर दिखा रुक
आशा की लाडली आ गई। ये भी आ रहा है, मैं जॉब करके गई है। कभी अलविदा ना कहना।
रही न रही हम। एक बता रहा हमने कल नहीं सीधी के रिटायरमेंट में गाया था। हो वहाँ तू जहाँ भी रहे हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे हर खुशी हो मैं निकल रहे हैं 10 मिनट जाते हैं तू जहाँ भी रहे चलो ठीक कभी नहीं बोल सकते। आगे मिलो नू मैं सुने तो आशा दी लाडनी है अब वो दिन गए क्यों अब तो हम सब हां मैं नहीं तब लाडनी वाला डायलॉग तब होता है जब हम चार्ज होते हैं आप उनके अंदर हो अंदर होते हैं सुन तब लोग ऐसी बातें करते रहते हैं अब ऐसी बातें नहीं होंगी मां के लिए बच्चे सभी लाडले होते हैं किसी भी उम्र में हो मां कहीं भी हो अच्छी चोली अड्डी तो मर्जी कहे जाओ दूसरी लाडली भी आ जा भाई देखा भाई मैंने सुना था किसी ने कहा है आशा को कि इसकी ये दोनों लाडली हैं मैं कहा अच्छा भी हैं तो फिर वो देखते हैं भी कौन सी कोई नहीं तो क्या हो गया कोई तो प्यार देख तेरे लिए रुके हुए थे हम कुछ खा हमारे माँ के जैसे थी हमारा बहुत ध्यान रखा हमेशा और ठीक है जो लोग कहते कहते हैं लेकिन वो सबके लिए करती थी क्या कहते हैं लोग कि वो हमें ज्यादा प्यार करती तो ठीक है प्यार में करने में क्या बुराई है कर सकते हैं है ना इसमें कोई बुराई तो है नहीं फिर एक गाना हो जाए जियो हजारों साल साल के दिन और बताओ आपकी सारी क्वेश्चन क्लियर कर दी मैंने बताओ नहीं इसमें बहुत बहुत खुशी है बल्कि देखो मेरे को मौका मिला मैं वापस से शायद यूनिवर्सिटी में नहीं होती तो शायद मैं इधर शायद नहीं भी आ पाती ना हो सकता हालात नहीं हो सकते तो मतलब भगवान ने मुझे मौका दिया मैं तो खुद ही इस चीज को अंदर से बहुत भगवान का शुक्रगुजार तू कहीं भी होती तुझे बुलाए बिना ये यहाँ से रिटायरमेंट नहीं होती तेरी छुट्टी होती तुझे घर से बुला लेते बहुत बहुत धन्यवाद आपका सच में आज जाने
हूँ। हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट। हमेशा उम्मीद रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।
हर चीज में पॉजिटिविटी देखो, कभी कुछ नेगेटिव हो भी ना उसमें भी सोचो कुछ पॉजिटिव है, मिल जाएगा पॉजिटिव, जरूर मिलता है। चल आए हैं तेरे घर में आज, तेरे को आखिरी घर बार ऑफिस से विदा करके। तुम्हें सौंपती अभी लड़की तुम्हारी हुई, इसी दिन मेरे माँ बाप ने सौंपा था 35 साल पहले, आज हमने सौंपा। आज आ रहा है सौंप दिया। कितने साल लड़की थी? हैं 35 इयर्स पहले मेरा एंगेजमेंट हुआ था इसी डेट पे, 31 जनवरी को। एंगेजमेंट भी आज की डेट में हुई थी। चल एक बार तू कुछ बोल दे सभी स्टाफ के लिए, आए हैं तेरे को विदा करने। लव यू ऑल। धन्यवाद, बहुत अच्छा सा काम किया, हमेशा स्माइलिंग फेस है दीदी आपसे, हमने कुछ भी टेंशन है तो आप हमेशा स्माइल से बात करते, तो गॉड ब्लेस यू दीदी आपका। हाँ वैसे भी सभी को ये बात सभी के लिए है, अगर कभी किसी हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस चाहिए तो आप आशा को कभी भी फोन कर सकते हैं। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। गुरु महाराज जी का मेरे नाल कोई बोले। हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ बोलेंगे बोलेंगे आपके साथ। पक्के दरवाजा बंद कर। मिलने सतगुरु प्यारे, मिलने आराम वाले, सपने विच आके रब के ना दर्शन पाया, लता ना चाहे, लता ना चाहे, मिलने सतगुरु मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग।
चलो कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, चलो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज तू मुझसे दूर सही हो, तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज के लिए तय बहुत सास कैसी है ये बता दे, माँ की बात छोड़। हाँ यही बता, जो भी फीलिंग्स है अपनी एक्सप्रेस करो। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, मदर इन लॉ वाली फीलिंग नहीं आती जो जैसे मूवी। तो फिर मदर इन लॉ आ रही है फिर सास थोड़ी हुई। मम्मी बुलाती हूँ, सब मम्मी बुलाते हैं, मदर इन लॉ कोई नहीं बुलाता। वैसे मतलब मुझे बिल्कुल क्या कहते हैं, मम्मी की तरह मतलब बेटी की तरह रखते हैं, और मतलब शॉपिंग पे लेके जाएंगे, इतना ज्वेलरी मम्मी ने इकट्ठा कर रखा है ना, इतना इनको शौक है, इतने ड्रेसेस का, इतना मेरा नहीं है। मुझे सच में शादी का कभी कुछ भी ज्वेलरी कपड़े कभी नहीं लेने पड़े, इनका पूरा पूरा भंडार है, बहुत मॉडर्न है विचारों में भी, और वैसे भी विचारों में भी मम्मी बहुत मॉडर्न है। क्रिएटिव भी बहुत है, बहुत क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव है, हर चीज को कैसे डेकोरेट करना है, सजाना है, कैसे उसको और अच्छा। मैंने जो शादी का कार्ड था दिव्या की, उसमें कुछ कुछ डिजाइन मम्मी ने बताए थे कि ये इसको ऐसे लगाना है, मैंने तो बताया था कि मम्मी ऐसा बनाना है, उसके बाद मम्मी ने बताया था नहीं इसमें ना ऐसे वो कपड़ा लगा के इसको ऐसे करके, अपने आप एक थॉट आता है ना, थॉट प्रोसेस में उनका अपने आप ऑटोमेटिकली चलता है। और चीज़ ये है कि मम्मी हर किसी की हेल्प करते हैं, मैं गली मोहल्ले में भी जाती हूँ ना, इवन सब्जी वाला भी मुझे कहता है कि आपकी मम्मी ने मेरे बेटे का ये काम कराया, मतलब कहीं पे भी पूरे कहीं पे भी चले जाओ ना, सब मम्मी को जानते जानते कि हाँ जी ये आरएमएल में काम करती है, इन्होंने मेरा ये कराया, इन्होंने मेरे बच्चे का ये कराया। मम्मी किसी को कभी मना नहीं करते, रात के 12 बजे भी मम्मी को फोन आते हैं कि हाँ जी इंजेक्शन लगाना है आप आ जाओ। मम्मी का ये हेल्पर नेचर है, वरना हर कोई किसी को नहीं अप्रोच करता। कितने लोग हैं क्या कहते हैं आश्रम में है, कितने लोग मम्मी को फोन करके राय लेते हैं कि क्या करना है कहाँ जाना है, तो मम्मी सबकी इतनी हेल्प करते हैं। सही लड़के वाले भी तैयारी नहीं, मैं भी कोई तैयारी नहीं, लड़के वाले पूरी तैयारी, पापा लड़के वाले भी मेरे साथ चले गए। देखो मेरा मायका ससुराल दोनों है, ये मायके वाले बैठे हैं, ये सिटी बस वाले ससुराल वाले लड़की मारी है, नहीं आप कुड़ी तो दया जी सगन भी पाओ फिर यही है, खुश रहे।
कल 9 से 4 के घूम के आए, ऐसे कहो के 9 से 4 घूम के आए। आप आए बाहर आए, बाहर आए सब उड़ा गए, बुढ़ापे में बाल हो गए, सब कुछ हो गया, काले तो चिट्टे हो गए। चलो आप आए, सब बहुत अच्छा लगा, ये प्यार बना रहे। आशा जी ने बुलाया, बड़े प्यार से बुलाया, हम आए और प्यार लेके आए और प्यार लेके जा रहे हैं। खुश रहो आप, बना रहे आप, आते रहना बस, हमसे मिलते रहना, ठीक है? नहीं फॉर विक्ट्री, आज आज आप में तो मैं सही नहीं हूँ। Cheers! चलो एक आप सभी इधर देख के करो ना, स्माइल करके प्लीज।